नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। लास्ट लेक्चर जहाँ पर हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हुए हम मार्केशियल्स के जो कुछ बहुत चुनिंदा जनरा थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्लेजोकैज्मा और साइथोडियम के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करी थी लास्ट लेक्चर तक। आज जो हम बात करेंगे उसमें दो और जनरा हम पढ़ेंगे। उसमें पहला है डोमोटेरा, जो कि एक बड़ा ख़ास किस्म का जीनस है, क्योंकि इसमें जो पहले इसकी फैमिली मार्केशियसी थी लेकिन अब इसकी फैमिली वेजनरलेसी है। तो कुछ ना कुछ इसमें कन्फ्यूज़न शुरू से रहा ब्रायलॉजिस्ट को, और इसी वजह से जो फैमिली की शिफ्टिंग है वो हुई। और ख़ास बात यह है कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है डोमोटेरा, एक ब्रायलॉजिस्ट थे डोमोल्टियर, उनके नाम पर रखा गया था इस जीनस का नाम डोमोटेरा। और इसके साथ साथ इसमें सिर्फ एक स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड है, डोमोटेरा हिरसुटा, और इसके अलावा कोई दूसरी स्पीशीज़ अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो आज जानते हैं इस पर्टिकुलर थलॉइड प्लांट के बारे में। क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करें तो क्लासिफिकेशन हिपैटिकी हो गया, सब क्लास या डिवीज़न जो भी बोलें, और सब क्लास हम कहें तो मार्केंटिडी हो गया, या इसको क्लास भी कहीं कहीं कह देते हैं। ऑर्डर मार्केंशियल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फैमिली इसकी या जो अभी मौजूदा है वो वीजनरेली है, और पुरानी फैमिली मार्केंशियसी थी। तो वीजनेरेला एक जीनस है, उसके नाम पर ये फैमिली है, और उसके करेक्टर इसके करेक्टर ज़्यादा करीब थे अगर हम कंपेयर करें मार्केंशिया से। इस वजह से ये शिफ्टिंग हो गई और ये मार्केंशिया से पहुँच गया वीजनेरेलेसी में। प्लांट हो गया डोमोटेरा हिरसुटा, और ख़ास बात यह है कि यही अकेली स्पीशीज़ दुनिया भर में मौजूद है। और यहाँ पर ये आप कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये सब देख रहे हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही इसके नामकरण का कारण है, क्योंकि हिरसुटा का मतलब है कि हेयर्स का मौजूद होना। तो यहाँ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये कैप्सूल बन रहा है यहाँ पर, ये फीमेल पार्ट है, ये भी कैप्सूल ये बनते हुए आप देख रहे हैं सारे, ऑल दीज आर कैप्सूल्स। तो उसके ऊपर जो हेयर्स का पाया जाना है ये करेक्टर, इसको बोलते हैं हिरसुटा, और इसी वजह से नाम पड़ा है डोमोटेरा हिरसुटा। तो नाम जो जीनस है वो तो एक साइंटिस्ट के नाम पर, और हिरसुटा नाम जो स्पीशीज़ का पड़ा है वो ऑन दी बेसिस ऑफ दीज हेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। हैबिटेट, तो ये जानेंगे कि प्लांट कहाँ पर ग्रो करना पसंद करता है। तो इस प्लांट की खासियत ये है कि इसको वाटर सोर्स आसपास होना बहुत ज़रूरी है, और तो इस तरह के जो वाटर सोर्स हैं इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका जो वेंट्रल सरफेस है वो डिप रहता है पानी में, जो अंडरलाइंग डिफ्टिंग वाटर है इसके नीचे से होके जो पानी जा रहा होता है उसके ऊपर ही ये ग्रो करता है। तो इस तरह की कंडीशन हमें स्प्रिंग्स में, वाटरफॉल्स के आसपास, नदी में मिल जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, साउथ इंडिया, खासकर कर्नाटका और जो नीलगिरी तमिलनाडु का एरिया है, वहाँ पर बहुत से झरने और स्प्रिंग्स हैं, और उनके आसपास हमें ये डोमोटेरा एक बहुत अच्छी रोबस्ट पॉपुलेशन में मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक पूरा एक अच्छी, बहुत अच्छी कॉलोनी है डोमोटेरा की। इनको जैसे ही आप यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आपको पानी जो है वो बहता हुआ दिख जाएगा, एक लेयर कम से कम वहाँ पानी की होगी, तभी वहाँ पर डोमोटेरा सर्वाइव करते हैं, अगर नहीं तो नहीं करते। और जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसका नाम हिरसुटा क्यों पड़ा, क्योंकि इसके थैलस के जो पार्ट हैं, खासकर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, वहाँ पे ये पॉइंटेड हेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसके बहुत ही बेसिक और ज़रूरी पॉइंट थे जो कि हमें याद रखने चाहिए। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे गैमेटोफाइट की। तो इसका अपना हैबिट क्या होता है, तो थलॉइड प्लांट तो है ही, ये और लीफी नहीं होगा। एक्रोगाइनस कंडीशन होती है, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, इन दैट द शॉर्ट स्टॉक मोर और लेस हेमिस्पेरिकल्स फीमेल रिसेप्टिकल आर टर्मिनल। टर्मिनल पोजिशन ही एक्रोगाइनस कहलाती है, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉइंट है वो कंज्यूम होता है इसके डेवलपमेंट में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्रोगाइनस। राइजॉइड्स ऑफ थ्री टाइप्स, तो ट्राइमॉर्फिक राइजॉइड्स होते हैं, स्मूथ होते हैं, ट्यूबरकुलेट होते हैं, और एक तीसरा जो होता है वो साइनोइड होता है। तो इस तरह की कंडीशन मार्केशियसी फैमिली में मिलती थी, इसी वजह से कभी ये मार्केशिया में पड़ा हुआ था। तो साइनोवेट राइजॉइड भी यहाँ मिल जाते हैं। द वेंट्रल स्केल्स आर हाईली रिड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लाइक साइथोडियम, वहाँ पर भी बहुत रिड्यूस था, यहाँ पर भी बहुत रिड्यूस होते हैं वेंट्रल स्केल। ऑफ एन हाईलाइन
भी हो सकते हैं, एकदम ही मतलब आपको होंगे तब भी आपको जल्दी नज़र नहीं आ पाएंगे, ओनली नियर दी ग्रोइंग पॉइंट। और जो होते हैं तो सिर्फ कहाँ होंगे, ग्रोइंग पॉइंट के आसपास। तो ग्रोइंग पॉइंट मतलब ये हो गया, ये इसका पॉइंट, तो इसका आप जस्ट रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, और इसमें नीचे की तरफ आपको कुछ जो वेंट्रल स्केल्स हैं वो मिल जाएंगे, और बाकी पूरे थैलस के वेंट्रल सरफेस पे कोई स्केल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो थैलस आप देख रहे हैं ये तो नेचुरल कंडीशन में थैलस देख रहे हैं, इसमें आप ये मिडरिब देख सकते हैं, ये प्रोमिनेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। डाइकोटोमी आप थैलस की ये देख पा रहे हैं, थैलस जैसे मार्केशिया का होता है लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, बस इसमें जो थैलस की थिकनेस है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू मार्केशिया। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि थैलस में हमें जो पॉलीगोनल एरियाज हैं वो भी दिख रहे हैं, जैसे मार्केशिया भी दिखते थे। और अब ये फर्टाइल प्लांट है, फर्टाइल प्लांट का मतलब मेल फीमेल यहाँ बनने लगे, डायोशियस प्लांट है तो मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो एक ये फर्टाइल प्लांट फर्स्ट जो है ये फीमेल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। और दूसरा प्लांट है मेल इन्फ्लोरेसेंस वाला, जहाँ पर आप बहुत एलिवेटेड कंडीशन नहीं देखते हैं, छोटा होता है ये हो गया मेल। और इसके बाद थर्ड जो डायग्राम है वो एपेक्स ऑफ द यंग थैलस है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एपेक्स है यंग थैलस की। फोर्थ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थैलस, तो ये आपने थैलस की सेक्शन काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इधर टेपरिंग होता है, सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, और यहाँ पर मल्टी लेयर कंडीशन होती है और यहाँ पर सिंगल लेयर होती है। और उसके बाद इसमें लार्ज पोर्शन, इसी को आप इनलार्ज कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये रिजेस दिखाई पड़ती हैं, और ये रिजेस जो हैं वो करेक्टरिस्टिक होती हैं लोनोलेरिसी, ये सॉरी डोमोटेरा की। तो ये ओवरऑल एक व्यू हो गया जो कि गेमेटोफाइट का है। द सेल्स ऑफ द गेमेटोफाइट विद न्यूमरस स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, सेल्स को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं, ये सेल्स आपको दिख रही हैं, और ये ग्रीन वाली सेल्स दिख रही हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ जाएंगे। थैलस ब्रांचिंग डाइकोटमस है, डाइकोटमी हमें ये दिख रही है यहाँ पर, ये और ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, तो इसका कलर आप देख लीजिए थोड़ा सा, और जो इसका टेक्सचर है वो ट्रांसल्यूसेंट टाइप का है। मीडियन कंडक्टिंग स्टैंड बहुत प्रोमिनेंट होता है, वो हमें ये दिख गया। वेंट्रल स्केल जो कि बहुत छोटे होते हैं, और कहाँ पर होंगे, इसके जस्ट पीछे होंगे। विदाउट जिमा रिसेप्टिकल, कोई जिमा नहीं होता, ना तो गोल वाला इस तरह का जो मार्केशिया में होता है, और ना तो सेमी लूनेट जो कि लोनुलेरिया में होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। डॉर्सल पोर इसमें नहीं होते, उसकी जगह पे इस तरह से उभार आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उस तरह की सेल्स हमें यहाँ पर दिखती हैं, और कोई कैविटी भी इसमें नहीं होती। पानी में रहने वाला, पानी के पास रहने वाला प्लांट है, इस तरह से ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर ये सारे हो गए। थैलस की एनाटॉमी की बात करें तो जब सेक्शन हम काटते हैं तो सेक्शन काटने से पहले तो यही है कि पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए डॉर्सल सरफेस, उसके बाद जब आपने देख लिया वेंट्रल देख लीजिए, और तो उसके भी आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए, सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया, तब हम सेक्शन की एनाटॉमी करते हैं। अब इसमें जो सेक्शन काटेंगे तो इसमें क्या देखते हैं कि कंप्लीट रिडक्शन ऑफ द एसिमिलेटरी जोन, एसिमिलेटरी जोन का पूरा रिडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि साइथोडियम में होता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द रेमिनेंट्स ऑफ पार्टीशन वॉल ऑफ द एयर चैम्बर एंड वन और टू सेल्ड एसिमिलेटरी फिलामेंट्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या दिखता है, सिर्फ इस तरह से आपको ये, अगर आप सेक्शन काटेंगे तो ये आपको अपर एपिडर्मिस दिख रही है, अपर एपिडर्मिस हो गई, और उसके बाद ही हमें सिर्फ सेल्स दिखाई पड़ते हैं, और ये पार्टीशन थोड़े थोड़े दिखते हैं, तो इन्हीं सेल से ये पार्टीशन बन जाते हैं, और ये सब खाली जगह होती है जिसको हम एरेनकाइमा कह सकते हैं, और ये जो सेल्स भरी होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अंडर सर्टेन सिचुएशन देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ एसिमिलेटरी जोन, कभी कभी पूरा ही नहीं होता, कभी तो कुछ सेल्स मिल जाती हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती हैं, एकदम ही नहीं मिलती। और जो स्टोरेज जोन है वो भी इसमें नहीं होता, तो कोई एसिमिलेशन और स्टोरेज जोन का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, जस्ट लाइक साइथोडियम, और या हम कह दें मेटजीरियल्स में भी ऐसा ही होता है। द थैलस इज इंटरनली अनडिफरेंशिएटेड, इस वजह से क्या होता है कि कोई डिफरेंशिएशन हमें क्लियर कट नहीं दिखाई पड़ता। सेवरल सेल सेल लेयर इन मिडरिब रीजन, मिडरिब में जो है वो आपने अभी सेक्शन देखा था इस तरह से, किनारे की तरफ पतला था, बीच में मोटा था इसका सेक्शन का जो आउटलाइन थी, तो
ये मिडरी वाला है, यहाँ पे तो कई बार कई सेल होती हैं, सेवरल सेल लेयर थिक होती है, और बाकी लेकिन किनारे की तरफ वो योनी हो जाती है। और ये आप सब सेल देख रहे हैं जिसके अंदर आप ग्रीन ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट भरे हुए देख रहे हैं। सेक्सुअलिटी, अब प्लांट डायोशियस होता है जैसे कि मार्किंशिया का होता है, यहाँ पर भी होता है ऐसा ही, और बाइसेक्सुअल, और कभी कभी जो है वो बहुत रेयर में आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी कि एक ही प्लांट में आपको मिल जाए मोनोशियस कंडीशन। द गैमिटेंजिया एंड कैप्सूल बॉर्न एक्सटर्नली, गैमिटेंजिया हो कैप्सूल हो, ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, एम्बेडेड कंडीशन में नहीं ग्रो करते, तो ये साइथोडियम से इस मायने में अलग हो गया। द आर्चिगोनिया एंड स्पोरोफाइट नॉट प्रोटेक्टेड बाई ब्रैक्ट, और इसमें जो आर्चिगोनिया स्पोरोफाइट है उनमें कोई भी कवरिंग नहीं होती ब्रैक्ट की तरह की, जैसे कि मार्केशिया में मिल जाती है लेकिन यहाँ पर नहीं मिलती। द आर्चिगोनिया एंड स्पोरोफाइट विदाउट अ सूडोपेरियंथ, तो कोई सूडोपेरियंथ जैसी चीज़ नहीं होती जो कवर करके इनको रखे, तो कोई भी इस तरह का जो पेरिकिटियल लीव्स वगैरह है या ब्रैक्ट जिनको हम कहते हैं वो सब यहाँ पर नहीं होते, तो ये भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो थैलस का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो देख लिया, अब हम देखेंगे कि जो, क्योंकि बाइसेक्सुअल थैलस और मोनोशियस दोनों ही कंडीशन मिलती हैं, तो यहाँ पर जो गेमिटेंजिया है वो मेल और फीमेल कहलाते हैं, और फीमेल गेमिटेंजिया फीमेल रिसेप्टिकल में ग्रो करती है, यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ है, रिसेप्टिकल की रिसेप्टिव होती हैं, तो ये फीमेल रिसेप्टिकल जो है वो लॉन्ग स्टॉक के साथ में होती है, इसका स्टॉक लंबा होता है, और इसमें दो जो हैं डिस्क्वाइट फरोज पाई जाती हैं, दो फरो पाई जाती हैं, और 6 लोब का बना होता है लेकिन रे की तरह फैला हुआ नहीं होता, लोब तो होती है लेकिन इस तरह से फैला हुआ नहीं होता जैसे मार्किंशिया में होता है। तो मार्किंशिया में आपने देखा था फीमेल इस तरह से दिखता है, या ये कंडीशन यहाँ पर नहीं होती, लोबिंग तो होती है लेकिन लोबिंग बहुत कम सी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोबिंग तो है हल्की हल्की, ये लोब बन गई, ये लोब बन गई, ये लोब बन गई, तो ये 6 तक हो सकती हैं लेकिन इसमें कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं बनते, और ये थोड़ा एलिवेटेड कंडीशन होती है अगर हम देखें तो, ये यहाँ से निकल रहा है रिसेप्टिकल से तो इतना स्टॉक हमें मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेल रिसेप्टिकल की, तो मेल रिसेप्टिकल डिस्क्वाइड होता है जैसे आप ये देख रहे हैं, छोटा होता है स्टॉक, छोटा इतना होता है कि लगता है थैलस से अंदर धंसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनके थैलस और इसके बीच में जगह ज़रूर होगी जो कि लेंथ ऑफ द स्टॉक होती है, और यहाँ पर भी 2 डिस्क्वाइट आइजोडल फरो पाई जाती हैं, तो ये भी मार्केशियल्स का एक करेक्टर है। स्पोरोफाइट एलिवेटेड होता है और ये इलोंगेशन सीटा की जो एलिवेशन है वो सीटा के इलोंगेशन से मिलता है, तो ये जो आप एलिवेटेड कंडीशन देख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ सीटा है, ये सीटा इलोंगेट कर जाता है जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन कोई इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता जैसे कि एंथोसरॉस में होता है, तो यहाँ पर उसकी तरह लगता ज़रूर है लेकिन इसमें कोई इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता। यहाँ पर भी आप लंबे लंबे देख रहे हैं, और ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, इस पे हेयर्स देख रहे हैं, और हेयर्स की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, हिरसुटा। कैप्सूल, कैप्सूल जो है वो डहिस करता है जैसे नॉर्मल डहिस होता है, और कम से कम तो 4 वेल्व में होता है, और बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत रेगुलर डहिसेंस हम नहीं कह सकते इसको कि 4 ही होंगे या 6 होंगे, इसमें जो है वेरिएशन होता है, फिर भी जो कम से कम जितने होंगे उसमें आपको 4 वेल्व तो आफ्टर डहीसेंस आपको दिखाई पड़ेंगे, और साथ में जो इलेटर्स होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं डहीसेंस के बाद भी, जो आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे, जो आप ये देख रहे हैं ये हेयर्स नहीं है बल्कि डहीसेंस हो गया, ये आपके वेल्व दिख रहे हैं और बीच में आपको ये चिपके चिपके जो दिख रहे हैं ये सब के सब इलेटर हैं। स्पोरो इलेटर, स्पोर इलेटर प्रेजेंट होते हैं, यूनि स्पायरली थिकेंड होते हैं, बाई स्पायरली थिकेंड भी हो सकते हैं, और कभी कभी 3 से 4 स्पायरल भी हो सकते हैं, इलांगेट करते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं अनब्रांच्ड हैं, नैरो एट ईच एंड, और किनारे की तरफ ये महीन महीन हो जाते हैं और फ्री होते हैं, किसी तरह से कोई इनका कांटेक्ट जो है, बाकी ये ऐसा नहीं होता कि स्पोर के साथ ये स्टिक करके चलें या कुछ हो जाए, कभी कभी कुछ आपको जो कैप्सूल वॉल है उसके साथ एसोसिएटेड दिख जाते हैं, अदरवाइज ये फ्री कंडीशन में मोस्टली आपको दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों ही कंडीशन मिल जाती हैं, फ्री कंडीशन भी मिलती है लेटर्स की, और कभी कभी जो बेस होता है जो वेल्व होते हैं उनके बेस पर और जो कैप्सूल बना होता है उसका भी जो बेस है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो इलेक्टर्स हैं वो जुड़े हुए मिल जाते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो है वो फ्री होते हैं, सारे जुड़े नहीं होते लेकिन कुछ ना कुछ आपको थोड़े बहुत आपको दिख सकते हैं बेस पे जुड़े हुए,
तो ये स्पोर और इलेटर की बात हुई। स्पोर नॉर्मल जैसे मार्किन शेल्स में होते हैं वैसे यहाँ पर भी होते हैं, प्रॉक्सिमल सरफेस और आपका डिस्टल सरफेस, वो सारी चीज़ें यहाँ दिख जाती हैं। तो इसी के साथ में जो अकाउंट था डोमाटेरा का, ये हो गया यहाँ पर। और ये कुछ साइट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, इसमें कुछ और भी इमेजेस वगैरह हैं अच्छी। और इसके अलावा भी बहुत जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी आपको इनसे मिल सकती हैं। ये साइट जब आप खोलते हैं तो फिर वो एक साइट से दूसरी और दूसरी से तीसरी, इस तरह से ये कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला बन जाता है। तो मैंने तो उतना आपको बता दिया जितना आपके लिए जानना ज़रूरी था, और इसके अलावा कोई ऐसा बचता नहीं है क्योंकि ज़्यादा डोमाटेरा में स्पेशीज़ होती नहीं है। तो वो कोई करेक्टर ऐसे नहीं है कि जिनके वो हम की बनाएं और की बना के अलग अलग स्पेशीज़ में हम उसको डिवाइड करें। तो ये छोटा सा एक जीनस है लेकिन इम्पॉर्टेंट जीनस है, क्योंकि एक तरह से हम मार्किन शेल्स का वो प्लांट है जो कि पानी के बिना नहीं चल सकता। तो उस हिसाब से आपको इस प्लांट को Thank you for watching.